भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मिर्जापुर के गोलहनपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद गांव के ही एक दलित के यहां चाय पी। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि बीजेपी दलितों को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है। कदिया की आरक्षण में किसी भी प्रकार से कहीं भी 1% भी समझौता नहीं होगा, बल्कि हमारी सरकार ने जो दलितों के हितों की जो रक्षा के लिए और कठोर नियम बनाए, और कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा आरक्षण सदैव रहेगा, और तो और दलित वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनके हितों का सम्मान करती है। वहीं उन्नाव और कठुआ में हुए गैंगरेप को शर्मनाक बताते हुए अरुण सिंह ने कहा कि मामले में योगी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। शर्मनाक घटना है भी, और कानून अपना काम कर रहा है और सख्ती से, यहाँ की योगी सरकार भी सख्ती से निपट रही है। किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा और कठोरता से कानून का पालन किया जाएगा। हम माँ बहनों का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती को सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मनाया और खुद को दलितों का हितैषी बताने की कोशिश की। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पार्टियों की ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।